यहाँ पे हमने स्टॉक मार्केट कोएफिशिएंट नहीं लिखे हैं, क्यों नहीं लिखे हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे मैं हेड डाला हूं रिलेशन बिटवीन लैम्डा मोलर एंड लैम्डा इक्विवेलेंट। तो हमने एक चीज पढ़ी थी अगर याद हो, n इक्वल टू एम एन होता है ना, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर है ना। तो नॉर्मलिटी जो होती है उसको हम लिखते हैं मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। अभी आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा लैम्डा मोलर इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है, कप्पा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी, उनको डिवाइड कर दो, लैम्डा मोलर डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्विवेलेंट, कप्पा इनटू 1000 डिवाइड कट जाएगा, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास बचेगा नॉर्मलिटी ऊपर और मोलरिटी नीचे है ना। तो नॉर्मलिटी को मोलरिटी इनटू एन फैक्टर लिखा, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलरिटी, ठीक है ना। मोलरिटी इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलरिटी, मोलरिटी से मोलरिटी कैंसिल हो गया, तो आंसर रिलेशन आएगा लैम्डा मोलर इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय एन, ये रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, लैम्डा इक्विवेलेंट नीचे था तो नॉर्मलिटी ऊपर आ गया, नॉर्मलिटी को मैंने एम इनटू एन लिख दिया, ठीक है। देखना नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड का पीडीएफ खत्म हो गया मेरा, कंट्रोलर्स करते हैं, नया पीडीएफ लेता हूं। तो हमने रिलेशन निकाला लैम्डा मोलर इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, ये रिलेशन निकाला। तो मैंने अपने बच्चों से कहा था कि सपोज Al2SO4 का होल थ्राइस है, Al2SO4 का होल थ्राइस है, इसका लैम्डा मोलर लिखना, तो लिखेंगे लैम्डा मोलर फॉर एल्यूमिनियम 3+ प्लस का लैम्डा मोलर फॉर SO4 -, यहाँ पे 2 हो जाएगा बिकॉज 2 एल्यूमिनियम मिल रहे हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा बिकॉज 3 सल्फेट मिल रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक बार लैम्डा इक्विवेलेंट लिखता हूं, तो लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस लिखा है ना। अच्छा, अगर मुझे लैम्डा एम की जगह लैम्डा इक्विवेलेंट लिखना तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू एन फैक्टर होगा, तो मैंने यहाँ एन फैक्टर क्या ले लिया, एन फैक्टर हो जाएगा इसका 3 × 6 एल्यूमिनियम सल्फेट का है ना। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि एल्यूमिनियम सल्फेट जब टूटता है ना तो 2 एल्यूमिनियम मिलते हैं है ना और 3 सल्फेट मिलते हैं, नेट चार्ज एन एन कितना है, ये कितना 6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब 2 यहाँ पे लैम्डा एन को लैम्डा इक्विवेलेंट लिखते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Al3+ मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर कितना है इसका 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू लैम्डा एम को लैम्डा इक्विवेलेंट लिख लिया सल्फेट का, मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर कितना है इसका 2, चार्ज के बराबर एन फैक्टर ले लिया है ना, तो 3 × 6 जो 6 है वो पूरी इक्वेशन से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बस रिलेशन क्या मिला, लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम प्लस का लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ सल्फेट, माने लैम्डा इक्विवेलेंट में हमें कोई भी कोएफिशिएंट ऐड नहीं करना है, जबकि लैम्डा मोलर में कोएफिशिएंट ऐड करना पड़ेगा। इतना क्लियर है सभी को, लिख लो भाई सारे बच्चे, ये रिलेशन भी याद रखेंगे हम लोग। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, ठीक है, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा बच्चों से, ओके।
अभी इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है कोलरोशस लॉ, ठीक है। कोलरोशस लॉ के बाद कोलरोशस लॉ के एप्लीकेशंस हैं, या बेसिकली इनफाइनाइट डाइल्यूशन बताना है मुझे भी, ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट वो अगले लेक्चर में खत्म हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रो इतना ही है, मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। Most welcome.